पॉइसलीज फॉर्मूला क्या बताता है? पॉइसलीज फॉर्मूला सिंपली एक चीज बताता है कि एक अगर आपके पास पाइप है या ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, वर्टिकल पे नहीं लगती है, हॉरिजॉन्टल पे ही लगती है, ग्रेविटी का जहाँ अफेक्ट है नहीं लगती, ये हॉरिजॉन्टल लगती है। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में अगर लिक्विड मूव कर रहा है तो कितना लिक्विड हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है पर सेकेंड, कितना लिक्विड हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, या फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एक ही बात है, ये फॉर्मूला आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बता देगा अगर आपको कुछ चीज़ें पता हों। तो ये फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले आप प्लीज़ अपने फॉर्मूला बुकलेट को ओपन करें और ये ड्रॉ करें और हेडिंग डालें पॉइसलीज फॉर्मूला। पॉइसलीज फॉर्मूला में ये डायग्राम ड्रॉ करें जिसके अंदर सपोज आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्यूब गिवन है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब गिवन है, इसके अंदर लिक्विड मूव कर रहा है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है, आपको इसका रेडियस गिवन है, आपको इस ट्यूब की लेंथ पता है, लेंथ पता है, आपको ये प्रेशर यहाँ का P1 है, इस एंड का प्रेशर P2 है। देखो पानी या लिक्विड तभी मूव करता है जब एक तरफ प्रेशर ज़्यादा हो और एक तरफ प्रेशर कम हो, क्योंकि जैसे करंट मूव करता है या चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, लिक्विड मूव करता है फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। तो अगर लिक्विड राइट साइड जा रहा है तो यहाँ का प्रेशर बड़ा है और यहाँ का प्रेशर छोटा है, तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर का डिफरेंस इस पाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल्टा पी विच इज इक्वल टू P1 - P2। ये P1 P2 पॉइंट के प्रेशर है, दो कोनों पे प्रेशर P1 एंड P2 है, तो प्रेशर डिफरेंस है P1 - P2 डेल्टा पी। तो पॉइसलीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली और लिक्विड जो मूव कर रहा है उसकी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ईट है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू का फॉर्मूला पाई बाय 8 डेल्टा पी आर की पावर 4 बाय ईटा टाइम्स एल, ये फॉर्मूला वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो अगर कोई पूछे इस ट्यूब में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है तो वो ये फॉर्मूले को याद करना है, पाई बाय 8 डेल्टा पी आर 4 बाय ईटा एल। ठीक, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी बहेगा एक सेकेंड में, अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है, रेडियस बड़ा है ट्यूब का तो ज़्यादा पानी जाएगा, ईटा अगर छोटा है नॉन विस्कस लिक्विड है, ईटा की वैल्यू छोटी है, फ्रिक्शनल फोर्सेस कम है तो भी ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और अगर लेंथ कम है तो भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा। देखो अगर आप लेंथ लोगे 1 मीटर की, पानी भेजो 1 मिनट पानी बाहर आ जाएगा, अगर आप लो 10 किलोमीटर की, यहाँ से टैप चलाया वहाँ 10 किलोमीटर दूर थोड़ा पानी निकलेगा, लेंथ जितनी बड़ी होगी प्रेशर डिफरेंस उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर है, जिस वजह से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड भी कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, फॉर्मूला नोट कर लिया, वॉल्यूम फ्लोइंग 8 पाई बाय 8। ठीक है, जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका लिखो जो हमने ऑलरेडी वर्क पर एनर्जी में किया हुआ है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वी है तो वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड का फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी। याद है हम वर्क एनर्जी पार में काफी लगाया था हमने इसे, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज एरिया इंटू वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का। पर अगर ट्यूब की लेंथ गिवन है फिर उसमें तो यही लगेगा, प्रेशर डिफरेंस गिवन है तो भी ये लगेगा, पर जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी गिवन है उसमें वो लग जाएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्योंकि आज का लेक्चर पॉइसलीज के ऊपर बेस्ड है तो मैं आपको डेल्टा पी की फॉर्म में सारे क्वेश्चन दूंगा, और प्रेशर डिफरेंस अगर ट्यूब में डेवलप हुआ हुआ है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू का ये फॉर्मूला नोट करें। ठीक, ठीक, तो इसमें तो आपकी शीट के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो सिंपल लिख दो ये फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का, सिंपल ऐसे लिख दो बात ही खत्म हो गई, जैसे मैंने क्या लिखा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, बात ही खत्म हो गई। कई बुक्स इसको क्यू से रिप्रेजेंट करती हैं, तो लिख लें फॉर्मूला बुकलेट में, कई बुक्स इसको क्यू से रिप्रेजेंट करती हैं, क्यू का मतलब है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। मैं
ज्यादातर इसको वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल वी, लेकिन मैं मेंशन करता हूँ वी फॉर वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर, वी फॉर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, ठीक है। तो क्यू वी कोई भी इसका सिंबल हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज अपॉन टाइम, याद है चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट है, वॉल्यूम अपॉन टाइम कितना वॉल्यूम बह रहा है पर सेकेंड में, इसको बोलते हैं लिक्विड करंट। इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड करंट। तो लिक्विड करंट या वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, क्यू वी लिक्विड करंट, सबका फॉर्मूला एक ही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट में ये चेक करो, पॉइज़न्स फॉर्मूला क्या बता रहा है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड बता रहा है। किस में? हॉरिजॉन्टल ट्यूब में बता रहा है, वर्टिकल में नहीं लगेगा। वर्टिकल ट्यूब में नहीं लगता ये फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल में लगेगा। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना इसमें। तो ये आपका फॉर्मूला, इसने क्यू से रिप्रेजेंट किया। यहां पर करेक्शन कर लेना, ये रो नहीं है, ये पी है, डेल्टा पी है। डेल्टा मैंने डेल्टा पी लिखा था, क्लियर डेल्टा पी होना चाहिए वैसे ये, पर काफी बुक्स इसको पी लिख लेती हैं। पर पी में लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पी का मतलब कहीं पॉइंट का प्रेशर तो नहीं, जबकि ये क्या है? दो पाइप के एंड का प्रेशर का डिफरेंस है। तो ये डेल्टा पी लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्लियर दिखता है डेल्टा पी, ठीक है। यहां तक अजम्पशंस हैं। जब ये फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं, तो वो और क्लियर कर रहे हैं कि जब ये फॉर्मूला यूज होगा, पहली कंडीशन है फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टेडी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। लिक्विड ज़िगज़ैग मूव नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि तेज कभी स्लो, कभी तेज, कभी आ नहीं रहा पानी, कभी जा रहा है पानी, ऐसा नहीं यूज करेगा। स्टेडी फ्लो, आराम से फ्लो करेगा, और ज्यादातर लिक्विड एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगा और बिल्कुल सीधा मूव करेगा, ज़िगज़ैग तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। प्रेशर इज कॉन्स्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। ऐसा ना कहना कि पहले बोल दिया इस लिक्विड की ट्यूब का यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, फिर कहो नहीं नहीं मैंने प्रेशर टैप का वो नलका खोल दिया प्रेशर बढ़ गया। नहीं, ये नहीं है। एक बार आपने P1 P2 बोल दिया तो डेल्टा भी कॉन्स्टेंट है। अगर डेल्टा भी बढ़ गया तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिक्विड वेलोसिटी जीरो है एट द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। तो जो ट्यूब की वॉल्स हैं वहां पर फ्रिक्शन का अफेक्ट नहीं लेना, तो वहां पर हमने क्या करना है, वेलोसिटी को ऑलमोस्ट क्या कर दिया, जीरो। ज्यादातर लिक्विड कहां पर मूव कर रहा है? अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, तो वॉल्स के ऊपर कोई हमने अफेक्ट लिया नहीं। नेक्स्ट है, ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब पे लगेगा, ग्रेविटी का अफेक्ट इस पे नहीं लेना, ग्रेविटी को नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये इसकी अजम्पशंस है। डेरिवेशन ऑफ पॉइज़न्स फॉर्मूला, अगर मान लो आपके स्कूल में पेपर में आ जाएगी, चलो प्रूव भी कर दो डेरिवेशन, तो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर याद होगा। हम यूनिट्स एंड डायमेंशन में ऐसे क्वेश्चंस करते थे कि जैसे आपको गिवन होता था कि मान लो वी द वॉल्यूम क्यू ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। तो याद है यूनिट्स एंड डायमेंशन में बोलता था, बोलो क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम अपॉन सेकेंड, तो एल क्यूब अपॉन टी। तो क्यू यहां पर क्या चीज है? वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर सेकेंड है। थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, करेक्शन करो यहां ईटा आएगा, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड, रेडियस आर ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर ग्रेडियंट पी अपॉन एल करो, पी अपॉन एल या करेक्शन करो। तो मान लो ये जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्यू है वो पहले किस पे डिपेंडेंट है? कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? रेडियस आर ऑफ ट्यूब पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है, और प्रेशर ग्रेडियंट हमने डायमेंशन फॉर्मूला किया था पी बाई एल, ठीक। तो कैसे करेंगे इसे? इसमें ऐसे करेंगे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर ए, रेडियस ऑफ द ट्यूब रेज टू पावर बी एंड प्रेशर ग्रेडियंट पी अपॉन एल रेज टू पावर सी। आपको अगर याद हो तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के असाइनमेंट में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, सेम टू सेम। तो इसमें हम क्या करते थे, क्यू इज सम कॉन्स्टेंट इन टू ईटा रेज टू पावर ए, रेडियस रेज टू पावर बी एंड प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू पावर सी। तो क्यू का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एल क्यूब टी माइनस वन, ईटा का क्या है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, रेडियस का क्या है लेंथ, और प्रेशर बाय लेंथ को निकाल लेना एम एल टू माइनस टू टी माइनस टू रेज टू पावर सी। इसको करेक्ट करके लिखें, ए बी सी निकाल लें,
एबीसी की वैल्यूज आ गई। एबीसी की वैल्यूज को वापस एबीसी में पुट करें और सिंपलीफाई करें तो ये टर्म आएगी। डायमेंशन फॉर्मूला का एक डिसएडवांटेज था कि डायमेंशन फॉर्मूला हमें के कांस्टेंट की वैल्यू बता नहीं सकता था, पर पॉइसली साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है तो साइंटिस्ट का काम है कांस्टेंट बताना, तो उसने किसी तरीके से कांस्टेंट निकाला और के की वैल्यू क्या निकाली, पाई बाय 8, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आ जाए एनसीईआरटी में तो डायमेंशन फॉर्मूला से करना पड़ेगा, वैसे आएगा नहीं, अगर आ जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला से कर देना। तो ये आपका पॉइसलीज फॉर्मूला।